सब्सक्राइब करें LPatel चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी YouTube पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे DuPont और FMC के द्वारा बनाए गए Benevia इंसेक्टिसाइड के बारे में। सबसे पहले अगर इसके केमिकल की बात की जाए तो इसके अंदर साइनेट्रोनिलीप्रोल दिया गया है जो कि 10% ओडी फॉर्मुलेशन में दिया गया है। अगर ओडी फॉर्म की बात की जाए तो ये ऑयल डिस्पर्शन फॉर्मुलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा केमिकल होता है वो ऑयल के अंदर पैक होता है और जैसे ये स्प्रे होता है तो तुरंत पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और बारिश से बचाने के लिए इसे ओडी फॉर्म में कवर किया गया है। वहीं अगर इस बॉटल पर डिटेल देखी जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे 2 बार से ज़्यादा अप्लाई ना करें। वो भी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ग्रुप 28 का केमिकल है और ग्रुप 28 के केमिकल क्या होते हैं कि 2 बार के बाद 3री बार जब अप्लाई करते हैं तो उनके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। उसी के साथ इस बॉटल पर लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो कि सकिंग पीस्ट के लिए बनाई गई है, मतलब सकिंग जितने भी हमारे रस चूसक होते हैं उन सभी के लिए बनाया गया है। अब अगर इसकी रेट की बात की जाए तो इसकी ये जो बॉटल है इसकी कीमत देखी जाए तो ये 240 ml की और ये 2150 रुपये की हमारे मार्केट में मिल रही है। साथ में इसमें कंपनी के ऊपर से टैग लगा हुआ है जिसे आप ओपन करने से पहले स्कैन कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल कंपनी के द्वारा बनाई गई। इसके ऊपर आपको ब्रांडिंग भले ही DuPont की दिख रही है लेकिन इसे FMC बेच रहा है, मतलब मार्केटिंग का पूरा काम FMC के अंदर है और मैन्युफैक्चरिंग अभी भी DuPont ही कर रहा है। वहीं अगर इस केमिकल की और डिटेल की बात की जाए तो इसे सब्जियों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है और अगर हम इसके डोज की बात करें तो सब्जी वर्गीय फसलों पर इसे 240 ml से लेकर 300 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करना होगा। और वहीं अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपके कड़क पत्ते वाली जितनी भी फसलें हैं, मतलब जैसे कि आप फसलों पे यूज़ करते हैं, तो 180 ml से लेकर 200 ml आपको प्रति एकड़ इस्तेमाल करना होगा जिससे इसका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। अगर पूरा कंट्रोल की बात की जाए तो इसके अंदर 20 दिन का इफेक्टिव कंट्रोल दिया गया है कंपनी की तरफ से जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे तो स्पेशली इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ सब्जी वर्गीय फसलों पर आप इस्तेमाल करें लेकिन आप अगर फसल पर भी उपयोग करेंगे तो इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई है जो कि खुद DuPont कंपनी ने डिज़ाइन की है। इस DuPont कंपनी के डिज़ाइन वाली रिपोर्ट को हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि ब्रिंजल के ऊपर, मतलब जो हमारे भट्टे होते हैं, और टमाटर के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है इस दवाई ने। इसके अंदर अगर कंट्रोल की बात की जाए तो उसमें विशेषतः थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, फ्रूट ब्रोरर और ब्रिंजल के जो सूटे भी कंट्रोल करता है। वहीं साथ में इसमें लीफ हॉपर और उसी के साथ थ्रिप्स जितने भी प्रकार के होते हैं, साथ में जो लीफ माइनर मतलब जो पत्तियां खाने वाली होती हैं, उसी के साथ साथ सूट ब्रोरर मतलब जो तना छेदक होती है, स्टेम ब्रोरर भी जिसे कहा जाता है, उन सब को भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। वहीं अगर देखा जाए कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है तो सब्जी वर्गी पे एक टेस्ट हुआ है जो कि कंपनी ने ही किया है, उसमें उन्हें गिनती के 4 केमिकल लिए थे जिसके अंदर कोराजन वाला क्लोर एट्रानिलीप्लोर 18.5% लिया था, उसी के साथ इमिडा क्लोरोपिड लिया गया था 17.8% SC फॉर्मुलेशन वाला, उसी के साथ लिया गया था स्पाइनोसेट 45% SC फॉर्मुलेशन का। इन तीनों के साथ इस केमिकल का प्रैक्टिकल किया गया कि कितना अच्छा कंट्रोल देता है, तो इन सभी से इसके कंट्रोल में अगर देखा जाए तो 20% मोर इफेक्टिव कंट्रोल था सभी चीज़ों पर, जिसमें विशेषतः उनने डाटा में एनालाइज किया था लीफ हॉपर, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई को, मतलब इन तीन चीज़ों पे इसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल दिया गया है। साथ ही इसे विशेषतः डिज़ाइन किया गया है बायोडिग्रेडेबल सब्जियों के लिए, इसका मतलब ये कि सब्जियों पे आप इसे डाल सकते हैं और ये एक ग्रीन लेवल का इंसेक्टिसाइड है। ग्रीन लेवल का इंसेक्टिसाइड होने से ये है कि आपके जो मनुष्य होते हैं उनके ऊपर इसका नुकसान नहीं है, इसका मतलब ये कि हमें कोई इससे नुकसान नहीं होगा। साथ ही इसके कंट्रोल की हम बात करें तो हर प्रकार की इल्ली जो कि सकिंग पेस्ट होते हैं जो और खाने वाले ब्रोरर्स होते हैं उन सभी पे इसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल दिया गया है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि एक ओवरऑल इंसेक्टिसाइड बनाया गया है Benevia जो कि FMC की तरफ से आता है। तो यही सब कुछ है FMC और DuPont के द्वारा बनाए गए Benevia के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।